जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आप लोगों के सामने मेरा लंच प्रिपरेशन को शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने लंच में बनाया था चिकन और भिंडी और आलू का फ्राई। ये वीडियो ना लास्ट वेडनेस डे का है, तो मैंने तो डाला नहीं था वीडियो, सिर्फ शूट कर लिया था, तो आज मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ भिंडी और आलू को मैंने रिफाइन और सिंपल जो जीरा सूखा मिर्च वो डाल के फ्राई कर लिया है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा अनियन भी डाल लिया है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है अनियन डालने से। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, फिर वो थोड़ा सा चिली पाउडर, फिर ढेर सारा अनियन, उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। देखिए ऐसा बन गया है। अब मैं इसमें उसको अच्छे से भून लेने के बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, तो उसको भी डाल लूँगी। देखिए डाल लिया। अब उसको अच्छे से मिलाते जाइए। बस उसके बाद डाल देंगे हम हल्दी, चिली पाउडर एंड नमक, वो तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और फिर डालती हूँ मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर। उसको अच्छे से मिलाते जाइए। फिर भून लेने के बाद अच्छे से उसका स्मेल, मैंने कच्चा स्मेल चला जाएगा, तब मैं इसमें डाल दी मेरा चिकन। अच्छे से मैं मिलाऊंगी मसालों के साथ। थोड़ा अगर अच्छे से हम लोग उसको नहीं भूनेंगे ना, तो चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। उसको कवर करके मैं उसको फ्राई कर रही हूँ मसालों के साथ। फिर अब तो 15 से 20 मिनट के बाद मेरा चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, और मैंने उसमें पानी ऐड कर लिया और जो कसूरी मेथी भी डाल लिया, चिकन पाउडर सारा डाल दिया। और यहाँ पे मैं सलाद भी बना लिया है, टमाटर और कुकुम्बर, अनियन, गाजर्स, दही। ये रहा मेरा चिकन और ये रहा मेरा लंच। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएगा।